छऊ सिर्फ नृत्य नहीं है, ये कथा बाँचने की तरीका है, ये अपने अभिव्यक्ति का एक तरीका है। आप अगर इस डांस परफॉर्म को देखना चाहेंगे या समझना चाहेंगे तो उसके लिए आपको झारखंड आना होगा। लेकिन आज सिल्ली स्टेडियम में गुंज परिवार के द्वारा एक ऐसा आयोजन किया गया जो सिर्फ ना रिकॉर्ड में दर्ज हुआ बल्कि 5000 से अधिक कलाकार हर उम्र के लोग यहां परफॉर्म किए। गुंज परिवार के नाम पे तो कई रिकॉर्ड्स हैं, ऐसा क्या इस बार लगा सुदेश जी को छऊ को क्यों आप लोग इस लेवल पर आगे लेकर आए, जबकि अभी भी पूरे भारत में सिर्फ 2-4 स्टेट के लोग ही जानते हैं छऊ के बारे में। ये छऊ की कई कलाएं हैं और छऊ खासकर मेरे मानभूम जो छऊ कला है ना, ये पूर्वकालीन और ये वीर सरत की गाथा को उजागर करता है, जो अपने नृत्य के माध्यम से ये भारत दर्शन भी कराएगा, भारंपी परंपराओं को दर्शन कराता है, भारत के रामायण महाभारत में बीते हुए उस सारे कांडों को कहीं ना कहीं स्थापित करता है। तो आप ये ऐसा फोक डांस तो अलग अलग स्टेट के अपने होते हैं, लेकिन एक फोक डांस जो कॉमन हो और ये कॉमन प्लेटफॉर्म इसको मिले और ये पूरे भारत के लिए मुझे लगता है वॉइस का प्लेटफॉर्म बने, ये नेशनली तो निश्चित रूप से जगह मिला, मुझे वर्ल्ड हेरिटेज में भी ये जगह इनका बनता है और ये इसका खूब इतिहास है। कई छऊ कलाकार को पद्मश्री अवार्ड से हमेशा बीच बीच में सम्मानित होते रहे हैं। ये छऊ कलाकार इन्होंने इसको जीवन बना दिया, ये कलाकार ये जिसको चाहे वो बजाने वाले हो, गाने वाले हो या फिर जो डांस में भाग लेते हैं, वो साक्षात रूप से अपना पूरा जीवन इस कला के क्षेत्र में सुप्त कर देते हैं। तो इनकी बैक में कुछ कठिनाई है, लेकिन ये भारत दर्शन है, मैं कहूँगा ये भारत दर्शन है। और ऐसे छऊ कला को अगर आप संजो के रखते हैं तो ये आपका स्टेट और राज्य के परिचय का मूल आधार ही होता है। हम संस्कृति भाषा इस आधार पर भी अगर हमारे राज्य का गठन हुआ, हम कितनी अपनी परंपरा को बढ़ा पाएँ, किस लेवल तक ग्लोबलाइज कर पाएँ, आप कुछ बता पाएँ? बिल्कुल इस तरह से होगा, जैसे आज पूरे भारत के में जो लोग अलग अलग रिकॉर्ड्स को इंकित करते हैं वो आज यहाँ थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये इस तरह से एक मंच में 5000 कलाकार को हमने कभी मंच में एक साथ नहीं देखा। ये मंच अभी तक 20-25 लोगों से सजता था, मैंने ये कोशिश की जितने लोगों को एक साथ एक मंच में लाने का, और हुआ, और एक थीम पर एक रिदम पर सभी लोगों ने अपना वीर रस के उस डांस को आपके सामने परोसा है। रांची से इतना दूर शायद ही कोई ऐसा जगह होगा जहां 24 आवर्स लाइब्रेरी की सुविधा होगी। आप हेल्थ और एडुकेशन दो चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस बार, क्या वजह है, गुंज परिवार का थिंकिंग क्या है इसके पीछे? देखो, गुंज ने ये महसूस किया है कि कोविड काल में आपने देखा होगा पढ़ाई का जो भी एक स्तर था उस भी बहुत धूमिल हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए लगातार, और उन्हें चूंकि पास स्कूल का एक सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है तो जो क्लास 6 में थे 8 चले गए, 8 थे वो 10 चले गए, निश्चित रूप से हम पास उनको तो कर दिए, लेकिन बेसिक रूप से स्कूल जाने का मकसद शिक्षा प्राप्त करना वो कहीं ना कहीं उनसे छूट गया। धीरे-धीरे गाड़ी में जाएंगे और ये जनरेशन भी आगे भी हो रहा है, 1-8 में आप देखेंगे गवर्नमेंट रूल बना दिया कि सभी बच्चे पास हो जाएंगे, कोई बच्चे फेल नहीं करेंगे। तो हम लोग स्कूल का मतलब हम लोग शिक्षा से रखते हैं, माँ बाप जब भी स्कूल भेजते हैं या पढ़ाई की चर्चा करेंगे तो हम अध्ययन करने के लिए आते हैं, ज्ञान अर्जन करने के लिए आते हैं, लेकिन आज वो मूल विषय नहीं रह गया। इसीलिए हम सभी लोगों ने इसको फोकस किया है कि जहाँ गैप हो रहा है, जहाँ बच्चे गाँव के बच्चे जो गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले जिनके लिए पढ़ाई के अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए हम लोग क्या संभव कर पाए, इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम हमने चलाए। मैं इनके डिटेल्स 3 दिन के अंदर आपको दिखाई देगा, और उसमें से एक उदाहरण आज प्रारंभ हुआ कि लर्निंग का अपना जो लाइब्रेरी को आज महामहिम राज्यपाल के हाथ से ओपन कराया। हैकन टॉपर्स क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलोंग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हीनो एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलियेटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है, हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in